हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुका है और मैं अभी जस्ट सो के उठा तो मुझे पता चला मेरे घर में मोटर लगा हुआ है तो मोटर काम नहीं कर रहा है, तो चलिए मैं उसे ठीक करता हूँ और देखते हैं क्या कुछ हो सकता है मुझसे। अगर मुझसे ठीक हो जाएगा तो ठीक है, वरना उसे इलेक्ट्रिक दुकान लेके जाना पड़ेगा ठीक करवाने के लिए। तो देखते हैं, अगर मुझसे ठीक हो जाता है तो कर लेते हैं। सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे मोटर लगा हुआ है और अभी हम यहाँ पे जोड़ रखे हैं दूसरा वायर को, और एक पुराना वायर आप उधर में देख सकते हो ऊपर है, तो अभी दूसरा वायर हम डाले हैं यहाँ पे, इसे टेप लगा देते हैं इसमें। और ये देख सकते हो यहाँ पे डबल वायर है, हम अभी डाले हैं ऊपर वाला वायर, इसमें टेप लगाना है। तो देखते हैं, अगर ठीक होता है तो अच्छा है, वरना तार का प्रॉब्लम होगा तो ठीक हो जाएगा, वरना फिर मुझे दुकान लेके जाना पड़ेगा मोटर को खोल के। तो गाइस, अभी हम यहाँ पे मोटर में टेप लगा दिए हैं और दिख रहा होगा शायद आपको हल्का हल्का, आपके अंधकार इधर। तो अभी चलते हैं और जहाँ पे बचा वहाँ पे लगाते हैं, उसके बाद फिर ऑन करके देखेंगे। तो गाइस, मैं अभी आ रखा हूँ पेड़ के पास और यहाँ पर भी एक बड़ा ज्वाइंट है तो उसे भी टेप लगा देते हैं। आप देख पा रहे होंगे इधर मेरे बगल में जस्ट इधर है, तो इसे भी टेप लगा देते हैं ताकि बारिश में कोई दिक्कत ना हो। मैं आ रखा हूँ अभी पेड़ के पास में, और यहाँ पर भी एक बड़ा ज्वाइंट है तो इसमें भी टेप लगा देते हैं ताकि बारिश में कोई तरह का दिक्कत ना हो। वैसे जहाँ पे ज्वाइंट था वहाँ पे मैं टेप लगा रखा हूँ और अब बारी है स्विच ऑन करने का। तो चलिए ऑन करते हैं, देखते हैं चालू होता है या नहीं। अगर नहीं होगा तो उस मशीन को ठीक करवाने के लिए, काश ठीक हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये रहा बोर्ड और यहाँ पे हम अभी प्लग को डालते हैं सॉकेट में, देखते हैं उसके बाद क्या होता है, स्विच ऑन करते हैं काश। तो गाइस, अभी हम अपने मोटर के पास जा रहे हैं और देखते हैं कि मोटर ठीक हुआ या नहीं, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ है। तो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं और चलिए देखते हैं क्या हुआ। तो गाइस, अब देख सकते हैं मोटर ऑन हो गया है और वायर का प्रॉब्लम था तो चलो अच्छा है, ठीक हो गया, बट वायर हीट हो रहा है हल्का हल्का। तो गाइस, मोटर अभी ठीक हो चुका है और प्रॉब्लम था वायर का, तो वायर हम चेंज कर दिए तो मोटर अभी चल रहा है और तो चलिए अच्छा हुआ, ठीक हो गया। तो आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहे। अभी हम सैलून जा रहे थे शादी झरिया और यहाँ पे रुक गए हैं, बीच रास्ते में बारिश हो रहा है तो मुझे रुकना पड़ा। आप देख सकते हो मेरे बगल में काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश चल रहा है तो मुझे रुकना पड़ा है, तो देखते कब तक बारिश होता है फिर हम चलेंगे सैलून पर। सैलून पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हो मेरे पीछे में सैलून है, तो देखते हैं कितना भीड़ है या नहीं। अगर भीड़ कम होगा तो हम बाल कटिंग करवाएंगे और फिर चलेंगे घर, तो देखते हैं कितना भीड़ है अभी। तो देख सकते हो सैलून है और हम यहीं से बाल कटवाते हैं हमेशा। आप लोग भी यहां पे विज़िट कीजिए, काफ़ी अच्छा बाल कटिंग होता है यहाँ पर। तो सैलून के इंटीरियर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, और ये है राजेश भैया और कुछ इस तरह से सैलून है। राजेश भाई की दुकान टाटी झरिया मेन चौक से 200 मीटर आगे प्रधान जी होटल के जस्ट अपोजिट साइड इनका दुकान है, आप एक बार जरूर विजिट करें। तो भाई, सभी सैलून में ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो वैसे अभी हम वेटिंग कर रहे हैं और मेरा दूसरे नंबर पे है, तो देखते हैं कितना देर में होता है, उसके बाद फिर बाल कटिंग करके चलिए। ये हम देख चुके हैं बाल कटवाने के लिए और हमारे पीछे में देख रहे जो भैया हैं काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं और देख सकते हैं भैया, हेलो कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वैसे ये बाल कटिंग हो गया फाइनली और अब यहाँ पे करते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे घर की वहाँ से।
फोटो में आप देख सकते हो ये जो सैलून है काफ़ी फेमस भी है और यहाँ पे बाल अच्छा से कटिंग हुआ है। आप लोग एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करें। इस तरह से इंटीरियर है सैलून का, आप देख सकते हो। फाइनली घर पहुंच चुका हूं और अब मैं जा रहा हूं नहाने के लिए। तो चलिए नहाते हैं और आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू करें रहे। तो गाइस मैं अभी जस्ट नहा के खाना खा लिया हूं और अभी जस्ट ब्लॉग शूट कर रहा हूं। तो आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहें और मुझे सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।